नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप शो में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के खिलाफ मुंबई में सभा, मोदी सरकार ने मिर्जापुर के किसानों पर डाल दी अकाल की काली छाया। हमारी तीसरी खबर में हम बात करेंगे पंजाब की, जहां किसानों द्वारा बंधक बनाए गए बीजेपी नेता हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद छूटे। छत्तीसगढ़, विज्ञापन की शब्दावली पर आपत्ति, वामपंथी पार्टियों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में कोरोना से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग रिकवर। भारत को अस्पतालों की जरूरत है, सेंट्रल विस्ता की नहीं। यहां गरीबों को घरों की जरूरत है, न कि पीएम के महल की। यह शब्द शनिवार को नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में हुई आम सभा में कहे गए। यह आम सभा मुंबई के संगठन सेंट्रल विस्ता विरोधी भारत द्वारा बुलाई गई थी। इसमें कई धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियां, सिविल सोसाइटी ग्रुप और जनता के मुद्दों की बात करने वाले अन्य संगठन शामिल थे। इस मीटिंग में इस कैंपेन की दिल्ली कड़ी की शुरुआत की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे ही कैंपेन देश के विभिन्न राज्यों में किए जाएंगे। इन कैंपेन के जरिए यह संदेश दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सेंट्रल विस्ता जैसे प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकार का ध्यान कोविड-19 से लड़ने पर बिल्कुल भी नहीं है। इस कार्यक्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि मुंबई में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति मैदान पर बड़ी संख्या में लोग जमा होकर प्रदर्शन करेंगे। इस जगह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी दिन देश के अन्य हिस्सों में ऐसे प्रदर्शन होने की उम्मीद है। मिर्जापुर के लोगों को पानी पिलाने के नाम पर करीब 200 गांवों के लाखों लोगों पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। यह वो किसान है जो सिंचाई के लिए बनाए गए आधा दर्जन बांधों की तलहटी में आजादी के बाद से ही खेती किसानी कर रहे थे और अब उन्हें खदेड़ दिया गया है। मस्ती और भाईचारे के बीच रहने वाले इन किसानों के घरों से अब कोहराम की आवाजें आ रही है। कोई यह बताने वाला नहीं है कि उनके खेतों की सिंचाई कैसे होगी। मरिहान क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अशोक उपाध्याय ने कहा, भाजपा सरकार ने मिर्जापुर के किसानों को एक अंधी गली में ला खड़ा किया है। जिन किसानों की जगह जमीन बांधों में चली गई, उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। धमकाया जा रहा है कि बांधों की खाली जमीन पर खेती करने पर रपट दर्ज कराई जाएगी और जेल भी भेज दिया जाएगा। यह पेट भरने और जीवन चलाने का मसला है। यह भले ही राजनीतिक समस्या नहीं है, पर मिर्जापुर के आदिवासियों के साथ फरेब का भावनात्मक चक्रव्यूह जरूर है, जिसके चलते लाखों लोग पलायन के लिए मजबूर हो सकते हैं। यह वही योजना है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 नवंबर 2020 को शिलान्यास किया था। नमामि गंगे योजना के पर्यवेक्षण के लिए शासन से नियुक्त अपर जिला अधिकारी अमरिंदर कुमार वर्मा के मुताबिक, सरकार ने 2024 के तक हर गांव के हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई है। योजना काफी बढ़िया है। 10 साल तक इसकी देखरेख कार्यदायी एजेंसियां करेंगी, बाद में इन्हें ग्राम पंचायतों के हवाले कर दिया जाएगा। पेयजल लाइनों को बिछाने की गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार से वित्त पोषित इस योजना में अब तक कोई फेरबदल संभव नहीं है, जब तक नई दिल्ली से कोई नया निर्णय नहीं होता। न्यूज क्लिक की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को पूरा पढ़ने के लिए आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर जा सकते हैं। पंजाब में बीजेपी नेताओं को किसान आंदोलनकारियों ने विरोध के चलते बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को बीजेपी नेताओं की बैठक के दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच मामला हिंसक हो गया। इसके चलते बीजेपी के नेताओं को घर में ही 12 घंटे तक कैद रहना पड़ा और आखिर होम मिनिस्ट्री और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद सोमवार को सुबह 4 बजे निकाला गया। राजपुरा की गुरु अर्जन देव कॉलोनी में स्थित एक घर के बाहर जमा भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तब जाकर किसी तरह बीजेपी की पंजाब यूनिट के महासचिव भूपेश अग्रवाल और सुभाष वर्मा को निकाला गया। इसके अलावा पटियाला ग्रामीण बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट विकास शर्मा और राजपुरा यूनिट के तमाम वर्कर्स को भी बामुश्किल पुलिस निकालकर ले गई। इससे पहले रविवार को देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के जज सुवीर सहगल ने नेताओं को सुरक्षित निकालने का आदेश दिया था। इसके अलावा अदालत ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि वह सोमवार को दोपहर 2 बजे तक इस आदेश के पालन को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी विज्ञापन की शब्दावली पर आपत्ति व्यक्त करते हुए
प्रदेश की 3 वामपंथी पार्टियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तथा मांग की है कि भविष्य में ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करने के निर्देश सक्षम अधिकारियों को जारी किए जाए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 दिन पहले एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें आगामी 2 सालों में वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के लिए 1,637 करोड़ रुपए खर्च करने का उल्लेख है। वामपंथी पार्टियों का कहना है कि यह शब्दावली गलत है और पूर्व भाजपा राज में वामपंथ को बदनाम करने के लिए ऐसी दक्षिणपंथी भाषा का उपयोग होता था, लेकिन आज कांग्रेस राज में भी शब्दावली का राज जारी रहना खेदजनक है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव संजय पराते, भाकपा के सचिव RDCP राव तथा भाकपा माले लिबरेशन के सचिव ब्रिजेंद्र तिवारी ने इस संबंध में एक संयुक्त पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा है। अपने पत्र में तीनों वामपंथी नेताओं ने कहा है कि वामपंथ प्रभावित और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित शब्द समानार्थी नहीं है और उनके राजनीतिक निहितार्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस देश की मुख्य धारा की वामपंथी पार्टियों को वामपंथी उग्रवाद के समकक्ष रखकर उसे बदनाम करने की कोशिश भाजपा करती रही है, जबकि हमारा वामपंथी उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं रहा है। भाजपा की इसी समझदारी को इस विज्ञापन के जरिए आगे बढ़ाया गया जो खेदजनक है। और आखिर में हम बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 12 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,154 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 724 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में आज फिर से 48% से ज्यादा यानी 324 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 39,649 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 3,219 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,08,74,376 हो गई, जिनमें से अब तक 4,08,764 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.21% यानी 3,14,713 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.46% यानी 4,50,899 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 37,73,52,501 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 12,35,287 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।